दोस्तों आज की इस वीडियो में हम MIS एग्जीक्यूटिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। हर इंटरव्यू में ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है इसके ऊपर। अब लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछते हैं। अगर आपको डेप्थ में नॉलेज है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन खुद से फिक्स कर सकते हैं। ध्यान से समझो, क्रिएट द डेटाबेस एंड परफॉर्म लुकअप फंक्शन है। ये वर्ड फाइल में इसने दे दिया है, PDF फाइल समझो, इसमें क्वेश्चन लिख के सारा दे दिया है। अब आपको ये परफॉर्म करना है एक्सेल पे बना के, राइट। तो अभी आप बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, अरे लुकअप है हम कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं कर लोगे, राइट। पहले चीज़ों को समझो, इसलिए तुम लोग इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो। लगता है वी लुकअप है, इतना इजी वी लुकअप नहीं है। थोड़ा देखो ट्रिक्स दिमाग लगाया गया है सारी चीज़ों पे, ध्यान से समझना। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। डेटाबेस है, ये हमारा बेस प्राइस है, ये हमारा मल्टीप्लायर है, ये इंक्वायरी सिस्टम है। मैं इसी के ऊपर यहाँ पे लुकअप फंक्शन बनाना, जिससे हमारी इंक्वायरी जो भी हम डेस्टिनेशन हॉलीडे सेलेक्ट करें उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करें। और इसको देखो क्या हमें यूज करना है, इसमें सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। फोर रेंज नेम्स, यानी नेम रेंज जो होता है, हैव बीन क्रिएटेड इन दिस फाइल। यूज़ द नेम बॉक्स टू फाइंड आउट व्हाट दे आर रेफर टू, राइट। क्या रेफर हम कर रहे हैं, नेम पता करने के लिए नेम बॉक्स का यूज़ करना है कि क्या हम रेफर कर रहे हैं संदर्भ में, राइट। तो क्या है, एक बेस प्राइस का, डेस्टिनेशन का, मल्टीप्लायर का और टाइप का नेम रेंज यूज करना है फॉर्मूले के अंदर। और अब देखो लिखा है, क्लिक अ रेंज नेम टू सेलेक्ट द सेल्स इट रेफर्स टू, राइट। और यहाँ पे लिखा है, क्रिएट वीलुकअप फंक्शन इन ईच ऑफ द येल्लो सेल्स टू रिटर्न द बेस प्राइस एंड मल्टीप्लायर फॉर द चूजन डेस्टिनेशन एंड हॉलीडे टाइप, राइट। यानी डेस्टिनेशन और हॉलीडे, जो डेस्टिनेशन है और हॉलीडे टाइप है, जब यहाँ सेलेक्ट करें तो ये बेस प्राइस और मल्टीप्लायर उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना, ट्राइंग टाइपिंग इन डिफरेंट डेस्टिनेशन एंड हॉलीडे तो टाइप्स टू मेक श्योर द फंक्शंस आर वर्किंग प्रॉपरली, यानी उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि नहीं, सही से डेटा फेच होके आ रहा है कि नहीं इस फाइल से, ये मल्टीप्लायर और बेस प्राइस से। और इसको किस बेस पे करना है लुकअप, नेम रेंज बना के। कैसे करेंगे आप देखो, तो नेम रेंज बना के करना है। तो सबसे पहले इस डेटा को आपको बनाना है, बस इस डेटा को ऐसे बना लो, तो जो कि मैंने यहाँ पे एक्सेल पे बना लिया। देखो बेस प्राइस मल्टीप्लायर एंड इंक्वायरी सिस्टम का हमने बना लिया है, ठीक है, इतना हमने बना लिया। अब सबसे पहले क्या बोल रहा, चार नेम रेंज इसमें क्रिएट किया गया है, तो हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, बेस प्राइस का, राइट। तो बेस प्राइसेस का नेम रेंज हमें डालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला टैब पे जाएंगे, क्या कर लेंगे, नेम मैनेजर पे जाएंगे और न्यू पे जाएंगे। रेफरेंस तो हमने ये ले लिया है और यहाँ पे क्या दे देंगे, बेस। अब स्पेस लेता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ अंडरस्कोर डाल के लिखना होगा, बेस अंडरस्कोर प्राइस, क्योंकि स्पेस दोगे तो ये लेगा नहीं। ओके कर दिया, तो बेस प्राइस का एक मेरा बन गया। चलो उसके बाद क्या है, डेस्टिनेशन का बनाना है। तो डेस्टिनेशन का बनाने के लिए क्या है हमारा, ये हो गया डेस्टिनेशन के लिए। क्यों बना रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, चीज़ों को समझना। नेम मैनेजर में जाएंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन इसके लिए, और यहाँ पे हेडिंग क्या ले लोगे, टॉप रो, यानी टॉप ईयर। इसके नेम पे हमारा डेस्टिनेशन का नेम रेंज बन गया, देखो बन गया। चलो उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है मल्टीप्लायर और टाइप्स। तो मल्टीप्लायर्स ये है और टाइप ये है, तो पहले मल्टीप्लायर्स का कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, नेम मैनेजर पे गए, न्यू, यहाँ पे दे दिया मल्टीप्लायर्स, ठीक है, और जस्ट ओके कर दिया। और उसके बाद क्या है, एक टाइप का भी है, ये टाइप का। ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से लेंगे और टॉप रो, अगर डायरेक्ट आप ऐसे नेम मैनेजर बनाएंगे इसके लिए, तो यहाँ से आप सिलेक्शन करना, राइट। क्योंकि हम यहाँ से इसलिए ऐसे सिलेक्शन कर रहे हैं क्योंकि टॉप रो वाला हमारा नेम बन जाएगा और ये सारे रेंज आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। मतलब इसका जो रेफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और ये टॉप रो के बेस पे कर लेगा। तो ये देखो नेम मैनेजर में, देखो ये टाइप हो गया और रेंज देखो D4 से लिया इसने, D4 से लेके D8 तक, देखो D4 से D8 तक, समझ में आ गया। ये हमारे बन गए। अब यहाँ पूछ रहा हॉलीडे टाइप, लुकअप फंक्शन परफॉर्म करना है, तो हॉलीडे टाइप मुझे जैसे यहाँ पे, ये हमारा हॉलीडे टाइप क्या है, ये सारे टाइप है हॉलीडे के, राइट। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक डेमो भी दिया है, देखो डेस्टिनेशन हॉलीडे टाइप, तो बेस प्राइस ये आ रहा, मल्टीप्लायर ये, टोटल इस टाइप से आना चाहिए। तो यहाँ हॉलीडे टाइप ये है मेरा हॉलीडे टाइप, राइट, ये है, और मल्टीप्लायर ये है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा सारा कुछ बन गया। तो हॉलीडे टाइप के लिए पहले हमें क्या करना होगा, डिस्टिनेशन के लिए हम पहले इसको हटा देते हैं, और डिस्टिनेशन के लिए पहले एक तो मुझे ड्रॉप डाउन डालनी होगी, या तो टाइप कर लो, ये तो सबसे बेस्ट क्या है, अगर आप ड्रॉप डाउन बना के दे दो तो वो जो इंटरव्यूअर है और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कहीं लिखा नहीं है। यहाँ पर इसने लिखा है ट्राइंग टाइपिंग इन डिफरेंट डिस्टिनेशन एंड हॉलीडे टाइप्स टू मेक श्योर द फंक्शन वार वर्किंग प्रॉपरली, राइट। तो आप यहाँ पे टाइप करने के लिए बोल रहा है, तो आप एक काम करो, टाइप करने के अलावा क्या कर लो, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन के माध्यम से कर दो। कैसे करोगे, ये देखो मैंने इसीलिए डेस्टिनेशन का बना लिया है, तो डेस्टिनेशन की लिस्ट आनी चाहिए। तो मैंने नेम रेंज तो बना ही लिया है, डेटा वैलिडेशन पे गया, यहाँ पे क्या लिया लिस्ट, और यहाँ पे जस्ट टाइप कर दिया इज इक्वल टू डेस्टिनेशन, राइट, और जस्ट ओके कर दिया। तो ये देखो ये सारे लिस्ट आ गए, ये फ़ायदा होता है नेम मैनेजर का, राइट। ये आ गए हॉलीडे टाइप के लिए भी, यहाँ पे क्या गए डेटा वैलिडेशन लिस्ट, यहाँ पे टाइप, क्योंकि इस टाइप नाम से मैंने बनाया है, राइट, जस्ट ओके। देखो ये आ गया, इसका मैं देख लेता हूँ क्या बनाया है मैंने। फॉर्मूला पे जाएंगे, नेम मैनेजर पे जाएंगे, टी वाई पी ई, राइट, एक बार देख लेता हूँ इक्वल टू टी वाई, ये टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, आ नहीं रहा, देख लेता हूँ क्या गड़बड़ है, डेटा टाइप पे गया, डेटा वैलिडेशन पे, अच्छा इक्वल टू नहीं लगाया है, तो यहाँ पे टाइप, तो ये हमारे टाइप आ गए। तो अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, चलो ये सेलेक्ट किया फ्लोरिडा, और टाइप लग्जरी, बेस प्राइस कैसे आना चाहिए, तो बेस प्राइस लाने के लिए वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगी, क्योंकि डेस्टिनेशन का बेस प्राइस लेकर आना है बेस प्राइस, तो वी लुकअप ये हो गया। टेबल एरे में हम क्या कर लेंगे, बेस प्राइस, क्योंकि इसका मैंने बना लिया है, यही रेंज मैंने ले लिया, देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। और कॉलम इंडेक्स नंबर टू, क्योंकि प्राइस लेकर आना है, कॉमा जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद इंटर, परफेक्ट काम कर रहा फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लायर के लिए भी वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी ये, और मल्टीप्लायर के लिए हम क्या लेंगे, मल्टीप्लायर, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, 2.0 एग्जैक्ट मैच के लिए, क्योंकि मल्टीप्लायर लेकर आना है, ये मेरा आ गया 1.5 आ रहा, तो एक काम करो यहाँ पे परसेंटेज कर दो, ठीक है। टोटल, तो टोटल क्या करोगे, इक्वल टू दिस इंडो, यहाँ मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने गलत बनाया होगा इसलिए प्रॉब्लम आ रही है ना, जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है, किसी ने टाइप करके मुझे सीटीए दे दी है। हम जब बनाएंगे तो क्या कर लेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, करेंसी फॉर्मेट, देखो अब ये परफेक्ट काम करेगा। तो ये हटा लेना तुम सारी, तो मैं जल्दी जल्दी हटा लेता हूँ सारों में से, ठीक है। तो अभी देखो ये परफेक्ट काम कर रहा है, अब इसने बोला है ना ट्राई टू टाइपिंग चेंज डेस्टिनेशन एंड हॉलीडे टाइप, तो मेक श्योर जो कैलकुलेशन वर्किंग प्रॉपरली, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लंदन, लंदन, और यहाँ पे ये सिलेक्ट के लिए, तो परफेक्ट काम कर रहा है। लंदन का बेस प्राइस हमारा क्या है, $574, तो 574, और मल्टीप्लायर क्या है हमारा, तो मल्टीप्लायर इसका देखो 200, तो 200 परफेक्ट ये हमारा हो चुका है। सो इसी तरह हमने इसी तरह हमने सारी चीज़ें अपने कोर्स में डेप्थ में सिखाया, और भी ज़्यादा आपको डेप्थ में सीखने को मिलेगा सारी चीज़ें, जिसमें आप अपनी पर्सनल क्वेरी, पर्सनल डाउट इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, चैट सपोर्ट है, प्रैक्टिस फाइल है, असाइनमेंट है, एमएस एग्जीक्यूटिव का प्रिपरेशन क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे चीज़ वहाँ आपको सारा सपोर्ट मिलेगा। लाइफ टाइम एक्सेस है कोर्स का, लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं, पीसी पे एक्सेस कर सकते हैं, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ बाई फेस लोगों की फीडबैक है, ऐप की रेटिंग हमारी 5 out of 5 है। तो आप देखेंगे कि लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स आर लविंग आवर कोर्सेज, क्योंकि हमारी चीज़ें क्या है, जेन्युइन है सारी चीज़ें यहाँ पे, राइट। आपको एक बेस्ट सपोर्ट मिलता है सारी चीज़ों में, और भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर इंटरेस्टेड है तो कोर्स को ज्वाइन करें, जिससे आप अपने कैरियर में एक अलग लेवल का बूस्ट पा सके। डेटा एनालिस्ट फील्ड में इजिली आप इंटर कर सकते हैं, अगर आपका बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।